संगरूर से सांसद भगवंत मान बेरोजगार अध्यापकों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को घेरा है। भगवंत मान का ये भी आरोप है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद खाली पड़े होने के बावजूद कैप्टन सरकार भर्ती करने को राजी नहीं, जबकि डिग्री धारक युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देखो यही कैप्टन साहब कहते होंगे कि जो अकाली दल वेले उन्होंने सरकार वेले मास्टर से लाठीचार्ज होंगे सी, तो कहते हैं कि टीचर की इमेज की बनती होनी बच्चों जो तुम टीवी के कैमरिया सामने उन्होंने इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, तो हूँ ये कैप्टन साहब ये दसन के हूँ कि टीवी ते देख के बच्चों के दिमाग के अपने टीचर प्रति कोई इज्जत की इमेज बनती होनी। भगवंत मान का आरोप है कि पंजाब में आज भी मुद्दे जस के तस बरकरार हैं। कैप्टन सरकार ने 129 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। एक सौ उन्ती पन्न का पेज सगा, 129 पन्न का मैनीफेस्टो सगा कांग्रेस का, 29 लाइन भी नहीं पूरी हुई, 29 पेज तो छड़ दो। सो सिर्फ कागजा तो करते हैं, टीवी पर दिखा देते हैं, सो ग्राउंड का तो फर्क है जी कागजा का, पर लोग सब जानते हैं, लोगों को सब पता है, जो जवाब देने का मौका आया लोग जवाब बहुत करारा देते। भगवंत मान का आरोप है कि ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, सरकार के फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित है। कीर्तिपाल, जी मीडिया, संगरूर।